opportunity. Kau nana sekarang sini sarin si deforma bana mui kau kaya gini atas santi kau tu. Ini sini sakawa dia hamare fighter omnu sung dia thaya suri sung dia bana mui kau mak kaya mana karang kau kaya sini national national federation for the state ni bising tiba sini parti lak samani ti sini parti nak kaya सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं है, हमारा एक अलग राष्ट्र का जो डिमांड किया था तो उसको हम लोग हमेशा हमारा दिल से फादर ऑफ न्यू सेपरेट स्टेट निकाल लें, उसी तरह हम लोग हमेशा रिस्पेक्ट करते रहेगा। और ये आज ये आईपीपी हम लोग यहाँ पे आया है उसका जो विजन से और उसका जो आशीर्वाद से, शुरू में उन्हीं त्रिपुरा में सबसे पहले ये अलग राष्ट्र का सपना दिखाया है। और ये लास्ट हमारा त्रिपुरा में 35 इयर्स का एक कम्युनिस्ट का रूल था, उसी टाइम में कोई जाति का कोई माति का बात जाति और माति का बात करने के लिए कोई किसी का हिम्मत नहीं था। उसी टाइम में हमारा ये प्रेसिडेंट लेड एमसी टेपरमा ने शुरू किया, ये सिर्फ जाति और माति के लिए नहीं है, ये अपना जाति को सुरक्षा देने के लिए वो नया राष्ट्र वो ही नारा शुरू किया। और पार्टी आईपीपी वो ही एस्टेब्लिश किया। तो अभी लास्ट फ्यू ईयर हम लोग का ये पार्टी कुछ अचानक से, ये मैं आज दुर्भाग्य से तरफ से मैं कहना चाहता हूँ, हमारे बहुत सारे पार्टी का लीडर था, हमारा सारी था, लेकिन अचानक से हम लोग को छोड़ के और किसी के साथ चला गया और किसी पार्टी में ज्वाइन किया और किसी मुद्दा को वो लोग सपोर्ट किया। और फिर भी हमारा ये एनसी से जब जिंदा था उसी टाइम में हम लोग को कुछ दो तीन लीडर को उसने शेयर किया, उसका दिल का बात उसने शेयर किया कि वो एक्सपायर होने का दो तीन दिन पहले हम लोग का एक एमसीसी कॉन्फ्रेंस भी हुआ, उस टाइम में वो कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम में आने गए क्योंकि बहुत फिजिकली बहुत वीक था। तो उसी टाइम में हम लोग शेयर किया कि शुक्ला तुम लोग मेरा बात सुनो, अगर मैं जिंदा नहीं है, अगर मैं मर जाने के बाद भी आप लोग कोई पार्टी को छोड़ के किसी जगह पे और किसी पार्टी के पास जाओ, एक दिन आप लोग अभी पब्लिक आप लोग का साथ नहीं है, अभी आप लोग का साथ लीडर लोग नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप लोग को दूर दूर के पब्लिक लोग आप लोग का साथ सपोर्ट में आएगा और ज्वाइन करेगा वो ऐसा करके हम लोग को एक शेयर किया। तो उसी टाइम में मैंने भी सोचा था कि हमारा एनसी सर उसका देहांत होने के बाद बहुत सारे लीडर ने हम लोग को छोड़ के गया और इलेक्शन चुनाव भी आया था लास्ट ये 2023 का असेंबली इलेक्शन में, वो इलेक्शन का टाइम है और भी ज्यादा चल गया। ऐसा हुआ है बहुत सारे मिनिस्टर एमएलए लीडर बहुत चला गया हम लोग को छोड़ के, दिल बहुत खराब था उसी टाइम में। फिर उसी टाइम में क्या हुआ, हमारा प्रेसिडेंट जो हमारा एमसी सर वो न्यू ईयर का दिन में जनवरी 1 न्यू ईयर का दिन में दोपहर 2:30 में उसका एक्सपायर टाइम हुआ हॉस्पिटल में। तो उसी टाइम में हम लोग सुन के और भी थे बहुत खराब लगा, ऐसा लगा कि आसमान गिरा के आया है हम लोग का ऊपर में। जैसा हम लोग उसी टाइम से हम लोग हमारा दो तीन लीडर है उन लोग को सभी बैठ के जो भी है हमारा जो एमसी सर हम लोग का जो बोल के गया है उसको हम लोग एक साथ करके जो भी है उन लोग पार्टी को एक साथ लेके जाएगा, ऐसा सोच के हम लोग अभी भी साथ में है। जो भी है हमारा ये आज कॉन्वेंशन के माध्यम से मेरा इतना सपोर्टर आप लोग आया है, इतना दूर दूर से आया है, मेरी तरफ से आप लोग को यही कहना चाहता हूँ
जी की ये जो सिर्फ एलसी डेपोर्मा उसका जो सपना वो सिर्फ उनके लिए अकेले के लिए सपना नहीं है। हमारा पीएम साहब जी ने कहा है, हमारा वो संजय सर ने कहा है, एलसी सर अभी आप लोग का अभी आप लोग हम लोग का साथ नहीं है, फिर दिल में हम लोग का साथ अभी भी जिंदा है, ऐसा सोच के हम लोग अभी भी साथ में है। अभी बोल रहे सुनको ये पार्टी को तोड़ने के लिए बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी ने हम लोग का साथ बहुत फाइट करना पड़ा, बहुत सारे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी भी कहो ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी भी कहो उन लोग का यही थे टारगेट कि सिर्फ आईपीएल पार्टी को तोड़ना नहीं, उन लोग का टारगेट है कि आईपीएल पार्टी अगर रहने से उन लोग का मुद्दा भी रहेगा, उन लोग का जो डिमांड है वो भी रहेगा, उन लोग का जो इश्यू है वो भी रहेगा। उन लोग का इतना साल तक ये त्रिपुरा में कोई किसी का हिम्मत नहीं था कि ये अलग रस मांग के त्रिपुरा में मूवमेंट करने के लिए और ये अलग रस का जो सपना उसको शुरू करने के लिए कोई किसी का हिम्मत नहीं था। एक हिम्मत है वो एमसी डेवलपमेंट और वो एमसी डेवलपमेंट ले पाती आईपीएल पार्टी, वो पार्टी को कैसे तोड़ सकता है, उन लोग का दिमाग को कैसे तोड़ सकता है। ऐसा बहुत सारे एजेंसी भी हम लोग हम लोग का बीच में है, तो अभी भी हम लोग इस वर्ष है ये नेशनल फेडरेशन फॉर यूथ से आप आज जितना हम लोग का साथ जुड़ा है, हम लोग का ये आईपीएल की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और ये त्रिपुरा में और ये आईपीएल पार्टी का पूरा में और ये एलसी डेवलपमेंट का पार्टी में आप लोग इतना हम लोग को मदद दिया है, लास्ट टाइम भी बहुत आप लोग सपोर्ट किया है, अभी भी सपोर्ट कर रहा है और आप लोग का जो सजेशन है उस सजेशन को लेके हम लोग अभी आने वाले दिन में ये आने वाले साल में हम लोग सोच रहा था कि ये एलसी डेवलपमेंट का पार्टी के माध्यम से जो भी होगा हमारा ये त्रिपुरा का त्रिपुरा सा और ये ट्राइबल जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी देगा ओनली ये हमारा पार्टी आईपीपी पार्टी और एलसी डेवलपमेंट का पार्टी के माध्यम से ही ये त्रिपुरा का ट्राइबल के लिए कुछ ना कुछ होगा। हम लोग अभी यही सोच है और बहुत सारे लीडर ने हम लोग का बीच में कभी कभी बहुत कुछ सेलिब्रेशन उठाता है कि ये लोग अभी एक मंत्री है और यह एक एमएलए है, वो एक एमएलए एक मंत्री रहेंगे उन लोग क्या कर पाएगा, अभी उन लोग का पास कोई जनता नहीं है, उन लोग का पास कोई लीडर नहीं है, उन लोग का देश में कोई सपोर्टर नहीं है। बहुत सारे लीडर ने बहुत सारे एलिगेशन उठाते हैं हम लोग का सपोर्टर को ये कमजोरी करने के लिए, पार्टी को कमजोरी करने के लिए। और आंगला के लिए ये मैं कहना चाहता हूँ, हमारा ये हम लोग भी चाहता था कि हमारा रीजनल और रीजनल देश में कोई हमारा कोई दुश्मन ना बने, हम लोग भी चाहते हैं हम लोग एक यूनिटी करके हमारा ये मक्स हमारा ये जो मुद्दा उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेशराइज करके कैसे निकल सकते हैं वो भी हमारा टारगेट है। लेकिन हम लोग जो सोचता है वो नहीं होता है, हम लोग जो सोचता है वो नहीं होता है। उन लोगों का बीच में जितना लीडर वो अभी उन लोगों के साथ जुड़ा है और बहुत सारे ये जो ट्राइबल इश्यू को और ट्राइबल सेंटीमेंट को कैसे जोड़ सकता है ऐसा अभी बहुत सारे जुड़ा है उन लोगों के साथ, तो जेन्युइन रीजनल माइंडेड इतना ज्यादा नहीं है। तो इसलिए हम लोग भी हमारा जितना रीजनल माइंडेड लीडर है अभी भी हम लोग का जो स्टेट में अभी भी कोई भी प्रोग्राम करने से अभी ये नया स्टेट का मुद्दा को ये सेपरेट स्टेट इशू को लेकर कोई भी मूवमेंट शुरू करने से ये पार्टी अभी भी बहुत सारे जनता सब रेडी है, सब निकलने के लिए तैयार है। तो इसलिए आज ये कन्वेंशन का माध्यम से आज दो दिन हो कन्वेंशन दो दिन चलेगा, हम लोग बहुत लाकी से ये कन्वेंशन को हम लोग मिला है। ये देश में जितना अलग रस मांगने वाला ये देश में जितना अलग 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 रस मांगने वाला ये जो नेशनल फेडरेशन फॉर यूथ का जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारा अगरतला में त्रिपुरा में दो दिन के लिए ये कन्वेंशन सम्मेलन हो, कल भी हमारा सम्मेलन है दो दिन के लिए सम्मेलन होने के लिए आप ये हो रहे हैं। तो ये हमारा ये त्रिपुरा का एक त्रिपुरा के लिए एक लकी मोमेंट है। तो इसीलिए मेरा जितना मेरा ये पार्टी का सपोर्टर है आप लोग को ये कहना चाहता हूँ, जैसे हमका चीनी अमा है इलाके में जरा हुआ जो मरण लिखा हुआ जो हम नमा समय
अपाचीन सभी ने भागे बहुत षड़ ना देखा बहुत षड़ ना देखे तुमको अभी भागे जो समय